मध्य एवं उत्तर भारत बाबा साहेब अम्बेडकर मंच द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सेंट्रल एवेन्यू रोड स्थित सेक्टर 5 चौक में केक काट कर बाबा साहेब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती हर्ष व उल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न स्थानों से रैलियां निकाली गई। इसी कड़ी में मध्य एवं उत्तर भारत बाबा साहेब अम्बेडकर मंच के तत्वावधान में सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय चौक में बाबा साहेब के अनुयायियों ने केक काट कर पटाखे फोड़ कर हर्ष व उल्लास के साथ बाबा साहेब की जयंती मनाई। सर्वप्रथम बाबा साहेब के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात केक काट कर खुशियाँ मनाई गई। बाबा साहेब के अनुयायियों ने बाबा साहेब की जयंती को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया दी। संकल्प यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो बात को कहा कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, ये पूरे देश के अंदर में और सभी पूरे जगत में ये बात को जानी चाहिए। और साथ में उन्होंने जो संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में जिसका लोहा माना जाता है, एक लिखित संविधान, कई देशों में तो आज भी अलिखित संविधान चलता है, लेकिन इतना मोटा ग्रंथ जो देश के तरक्की के लिए और सभी चीज़ों के लिए मायने रखता है, उस संविधान की रक्षा करने का संकल्प है, वो संविधान बरकरार रहना है, उस संविधान को ताकत के साथ में हमारे देश के अंदर में पूरी तरीके से लागू करेंगे तो हमारा देश पूरे विश्व के अंदर में सही मायनों में विकास करके जाएगा, यही हमारा। आज जो है बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब का यह जन्मदिन हमें नई प्रेरणा देता है, नया जोश देता है, हमें जीवन को सुखमय बनाने का आग्रह करता है। ये अपवाद करने वाले तो हमेशा अपवाद करते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है वह विश्व में प्रसिद्ध है और शायद ऐसा संविधान कहीं नहीं है जो संविधान हमारा। आज संविधान बदलने की बात हो रही है, आज संविधान में चेंजेस की बात हो रही है, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता है कि संविधान को बदला जा सकता है। ये बाबा साहब का संविधान कोई छोटा मोटा संविधान नहीं है, इस संविधान को सबसे ऊपर पूरे विश्व में संविधान के रूप में माना जाता है। बाबा साहब की, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब बहरहाल इस अवसर पर बाबा साहेब के अनुयायियों ने बाबा साहेब के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।